हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही फेमस, जो कि बहुत हाइप हो रहा है, उस फाउंडेशन का रिव्यू जो कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हो। वो है ये मार्स का फाउंडेशन। ये रहा मार्स का फाउंडेशन और ये अभी बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है अफोर्डेबल बजट में। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सो गाइस, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, देख रहे हो आप लोग, नेक्स्ट लेवल पैकेजिंग है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। वाओ गाइस, इसकी पैकेजिंग बहुत ही लग्जूरियस है। तो गाइस, इसमें आते हैं टोटल 8 शेड्स, मतलब पहले 6 आते थे, अभी उन्होंने रेंज बढ़ा दिया क्योंकि पहले डार्क स्किन टोन के लिए एक भी नहीं था। तो पहले 6 आते थे, अभी 8 आते हैं। और उसमें से मेरा जो है, मेरा वीटी स्किन टोन है, मतलब मीडियम टू फेयर के बीच में मेरा रहता है, तो मैंने शेड 5 लिया है। तो अगर आप मेरे शेड के हो तो आप भी शेड 5 ले सकते हो। चलो मैं आपको हैंड में स्वेच करके दिखाती हूँ। और गाइस, इसका आपको एकदम टाइनी ड्रॉप लेना है, एकदम टाइनी, आधा से भी आधा ड्रॉप। अभी हैंड के फेस में आपका आधा ड्रॉप में पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको एकदम पार्टी में जाना है तो फिर आप 1 ड्रॉप लो, लेकिन 2 तो इसका लेना ही मत, नहीं तो फिर काफ़ी हैवी दिखेगा ना। तो गाइस ये है, अभी मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। रियल टाइम पे ब्लेंड कर रही हूँ इसमें, देखो फिनिश दिख रही है। ये मेरा हाथ है, एक मेरा हैंड अभी टैन हुआ है इसलिए, वरना मेरे नेक से मैच करूँ सेम है, तो मैं अपने नेक से मैच करके फाउंडेशन लगाती हूँ। मेरा हैंड अभी टैन हो गया क्योंकि अभी मैं बिना ग्लव्स के बाहर चले गई थी। सो ये शेड मेरे ऊपर एकदम अच्छा जाता है। अभी मैंने मेकअप किया हुआ है, वरना मैं आपको फेस में लगा के दिखाती, हालांकि मैं रिव्यू के लिए अभी हैंड में लगा के दिखा रही हूँ। इसकी फिनिश आप लोग देखिए, और कवरेज इतना फुल कवरेज और इतनी डूई फिनिश आती है ना, ऐसे नहीं लगेगा आप लोगों की थिक सा एक लेयर है, एक पपड़ी है एकदम। और इसको जितना कम लगाओगे उतना अच्छा है। बाकी फाउंडेशन तो मैंने फेस पे ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जो क्लेम्स है वो देख लेते कि ये पास कर पाया है कि नहीं। तो इसके क्लेम्स कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ लिखा है, फाउंडेशन हाई कवरेज फार्मूला। तो हाई कवरेज फार्मूला है इसका, इसके लिए मैं इसको अप्रूव कर रही हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ऑर्डर किया था ना इसको, जब 6 शेड्स ही आते थे, तब इसकी MRP 349 थी। तो उसमें मैंने बाय किया था। अभी ये लोगों ने शायद इसकी 379 कर दी, क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छा दे रहे हैं ना लोग। लाइक उसमें भी 349 का था, उसमें भी मुझे 320 समथिंग 21 ऐसा कुछ का मिल गया था ऑफर लगने के बाद। तो फिर अब हाइप हो चुका है, इतना अच्छा मिल रहा है, तो वो लोगों ने भी प्राइस बढ़ा दिया। तो अब डिस्काउंट में 350 तक भी, 350 के हिसाब से भी ये वाला फाउंडेशन बहुत ही सही है यार। डेली वेयर के लिए आप थोड़ी ना 2-3 हज़ार का फाउंडेशन यूज़ करोगे, आपको कहीं जनरली यहाँ वहाँ जाना है उसके लिए आप थोड़ी ना करोगे, उसके लिए ये बेस्ट। और ये जैसे कि मेरे जैसे स्किन, अगर आप किसी का हल्का फुल्का मार्क्स का प्रॉब्लम है, एक्ने मार्क्स वगैरह है, तो उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट है कि हल्का सा लगाए पूरा कवर कर देगा। और ये वाला आज तो मैंने नहीं वेयर किया है, एटलीस्ट 3 घंटे बाद ये सेपरेट नहीं हुआ, केकी नहीं हुआ, इवन जो ऑयल के साथ मिक्स होके काफ़ी ग्लोई इफेक्ट आ रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मेरे तरफ से ये वाला फाउंडेशन मैं 5 में से दूंगी 4.5 या। बाकी मैं बता देती हूँ, मैंने इसे फिंगर से लगाया था तो भी बहुत अच्छा हुआ था, फिंगर से और ब्रश से भी काफ़ी अच्छा था। वेट स्पॉन्ज से मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया, तो मेरे तरफ से तो ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में अभी तक का बेस्ट 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 फाउंडेशन है, अगर लो प्राइस में अगर आप जा रहे हो तो। तो प्लीज़ गाइस गो फॉर इट। अभी अभी क्या चल रहा है कि है ना, अभी सब स्पॉन्सर्ड वीडियोस आ रहे होंगे इसके, क्योंकि अभी वही चल रहा है। मैंने देखा अभी इंस्टा में हर जगह इतना स्पॉन्सर्ड वीडियोस चल रहे हैं, सारे 8 के 8 शेड्स लोग लगा रहे हैं, तो वो सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। मैंने एक शेड खुद के पैसे से बाय किया है, मैं उसका आप लोग को ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। बाकी ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हर किसी पे जाएगा। मैंने अपनी मम्मी के ड्राई स्किन पे भी टेस्ट किया है, तो आप लोग ले सकते हो, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू मार्स के इस फाउंडेशन पे। और अगर आप लोगों ने भी ट्राई किया है तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने हेयर का कुछ, एक मैंने न्यू
प्रोडक्ट टेस्ट किया है उसका कुछ शैम्पू कंडीशनर का वीडियो, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगी अगर आप वो देखना चाहते हो